हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉइंट है होने वाला आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप सबको न्यू कॉलेज जाने का, न्यू हॉस्टल एंजॉय करने का इंतजार होगा, कॉलेज एक्सप्लोर करने का मन होगा, तो उससे पहले जरूरी ये होता है कि आप सबको कॉलेज जाने से पहले, हॉस्टल जाने से पहले, क्या आप सारा जरूरत का सामान आप ले आके आए हो या नहीं, क्या क्या एसेंशियल थिंग है जो कि आप सबको जरूरत पड़ेगा जब आप न्यू जगह पे, जब न्यू हॉस्टल में जाओगे। तो ये सब सवाल सब फ्रेशर्स के मन में होता है। और जब हम भी जब पहला बार जब हॉस्टल जा रहे थे तो मेरे को भी टेंशन था कि क्या क्या हमको सामान ले जाना चाहिए हॉस्टल में, तो जाकि मेरे को बाहर से खरीदना नहीं पड़े और दिक्कत ना हो मेरे को। ये सब परेशानी सबको होता है। तो ये परेशानी को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप सबको पूरा बढ़िया से बताएंगे कि क्या क्या आपको एसेंशियल थिंग लेके आना होगा, क्या क्या आपको पैक करना होगा हॉस्टल में जाने से पहले, क्या क्या थिंग जो भी आपको जरूरत पड़ेगा हॉस्टल कॉलेज हॉस्टल में जाने से पहले, पूरा इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आपको जरूरत होगा, पूरा पूरा अच्छे से डिटेल्स में आपको बताएंगे वीडियो का पूरा, ठीक है। तो पहले आप लोगों का सबको हॉस्टल अलॉटमेंट सब होने वाला होगा तुरंत ही, क्योंकि जोसा भी खत्म हो चुका है और जैसे भी काउंसिलिंग का फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, और बाकी ट्रिपल आईटीज एंड आईटीज जीएफटीआईज बाकी सारा कॉलेज में सब एडमिशन हो चुका है लगभग, बाकी सी सब थोड़ा बचा हुआ, उसके बाद सबका एडमिशन हो जाएगा। तो आप सबका हॉस्टल खुलने वाला है, सबका कॉलेज खुलने वाला है, तो उससे पहले आप लोगों को जरूरत पड़ेगा ही कि आप लोग क्या क्या सामान लेके जाना होगा हॉस्टल में, अब क्या क्या एसेंशियल थिंग आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोगों को सबके वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। पूरा थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा अच्छे से आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको जरूरत होगा, जब जरूरी सामान होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और हमको ये चीज़ एक्सपीरियंस है तो आपको पूरा बढ़िया से बताएंगे, और जो भी एक्सपीरियंस जो भी आपको हम पूरा अच्छे से शेयर करेंगे आपको, ठीक है। तो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बाकी चलिए आपको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं वो क्या क्या आपको एसेंशियल थिंग लेके जाना होगा कॉलेज में। तो आपके हॉस्टल एसेंशियल लिस्ट आपको हम पूरा अच्छे से रेडी करके रख दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको हम चलिए बताते हैं। देखिए, तो क्लोथिंग आइटम्स में आपका सबसे पहले आपका शर्ट, फुल शर्ट और हाफ शर्ट चाहिए, ठीक है। बाकी टी शर्ट, फिर जीन्स, फिर शॉर्ट, फिर कुर्ता पैजामा, फॉर्मल ट्राउजर, कॉटन टॉवल, सॉक्स, बेडशीट विथ पिलो कवर, अंडर गारमेंट, टेबल क्लोथ, बैक ब्लैंकेट, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे टी शर्ट फुल शर्ट जो होता है वो बाकी बहुत जन को कॉलेज में सीनियर लोग फुल शर्ट नहीं पहन जाते, हम लोग कॉलेज में फुल शर्ट अलाउ रहता है, हाफ शर्ट अलाउ नहीं रहता है फर्स्ट ईयर का बच्चा लोगों को, तो उसमें आपको फुल शर्ट पहनना रहता है, ठीक है, कैंपस के अंदर में। फिर आपको देखिए फूड आइटम्स में आपका नमकीन, आपका मिक्सचर हो या कुछ भी बिस्कुट, उस पर ले सकते हैं फूड आइटम्स में। नॉर्मल आपका कुछ पढ़ते वक्त या कुछ भी थोड़ा बहुत आपको जब मन करे, मेस का खाना के बाद भी कुछ मन करे तो आप लोग ले सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत आपको बता दे, डॉक्यूमेंट आप आधार कार्ड ले सकते हैं अपना, रख सकते हैं एक तो जेरोक्स भी रख सकते हैं, बाकी अगर आपको कुछ सिम खरीदना हो या कुछ भी, मतलब कुछ भी काम अगर आपको कुछ कॉलेज से या कुछ फंक्शन होने वाला हो तो उसमें आपका आधार कार्ड मांग लेगा, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा आधार कार्ड। हम लोग कुछ एक तो फंक्शन हो तो उसमें आधार कार्ड मांगा था तो हम दे दिए, तो इसीलिए आपको बता दिए कि आपको जरूरत हो सकता है, इसलिए अपना पर्स में रख लीजिएगा। बाकी अपना प्लेंटी ऑफ फोटो, फोटो साइज, फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज जो रहता है, जो आप सबमिट किए होंगे या कहीं पर भी सबमिट किए होंगे अपना डॉक्यूमेंट्स में, तो सब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रख लीजिएगा, कहीं भी आपको जरूरत पड़ सकता है, कुछ भी चिपकाने में या कुछ फॉर्म निकला या कुछ इवेंट्स का फॉर्म निकला, कुछ भी फॉर्म निकला तो उसमें चिपकाने का जरूरत पड़ सकता है, या फिर आपको कुछ टेम्प सिम उम खरीद रहे हैं तो उसमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा आपका, ले लीजिएगा। फिर आपके एसेसरीज में आ जाता है आपका नेल कटर हो गया, बेल्ट हो गया, कैप हो गया, आपका धूप से बचेगा आपका कभी कॉलेज जाएंगे तो कैप हो जाएगा, फिर रेनकोट हो गया कहीं पानी नहीं पड़ा, अम्ब्रेला हो गया पानी नहीं बस ये पड़ेगा तो आपका जरूरत पड़ेगा। फिर आपके स्पेक्टिकल्स हो गया, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अपना चश्मा ले लीजिएगा अपना याद से, ठीक है। फिर रिस्ट वॉच आपके पास रहेगा तो बढ़िया रहेगा टाइम देखने के लिए अपना नॉर्मल आपका कॉलेज में, ठीक है। फिर आपका गॉड आर्डल इफ यू प्लान टू, अगर आपको कुछ भी टेबल आपका पसंद तो मिलता ही है, हम अपना टेबल पे अपना भगवान जी रखते हैं, ठीक है, तो आप भी अपना भगवान जी को ले जा सके या चिपका सकते हैं अपना ये पे, अपना जो भी वॉल होगा आपको जो मिलेगा जिस साइड पे, या तो अपना टेबल पे रख सकते हैं भगवान जी का फोटो, तो अपना पूजा कर सकते हैं सुबह से उठ के, बहुत अच्छा रहता है सुबह से उठ के कॉलेज जाने से पहले, एग्जाम जाने से पहले आप पूजा करिएगा तो बहुत अच्छा होता है, दिन अच्छा जाता है, इसीलिए आपको बता दिए। फिर 2-3 हैंगर्स आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपका सब सामान वामान रहेगा, कपड़ा रहेगा, तो सबको टांगने के लिए अपना दो नॉर्मल 2 हैंगर तो ले लीजिएगा, 2 हैंगर में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लिप टू अटैच क्लोथ टू रोप्स, फिर आपका जो भी क्लोथ आप जब धोएंगे या जो धोएंगे तो फिर पसारेंगे तो ये रस्सियाँ पसारेंगे, उसके लिए क्लिप ले लीजिएगा कि उड़े ना अगर हवा हुआ चले तो, इसलिए अपना क्लिप्स ले लीजिएगा रोप में लगाने के लिए। फिर आपका रोप टू हैंग द क्लोथ, तो आप जो भी रोप पर रस्सी ले लीजिएगा, कुछ छोटा सा ले लीजिएगा रोप कि अपना बांध के रख सके और आपका समय अपना कपड़ा वहाँ पे जाके पसार सके। फिर लॉक इन की 2 पेयर, अभी आप जब भी आप जाएंगे नए हॉस्टल में तो बक्सा वक्सा लेके जाएंगे या कुछ भी अटैची लेके जाएंगे तो उसके लिए अपना लॉक ले लीजिएगा। बाकी आपको अपना पर्सनल कवर्ड मिलेगा तो कवर्ड में लॉक करने के लिए चाबी चाहिए, ताला चाहिए, तो ताला के लिए 2 ताला ले लीजिएगा, ठीक है, 2 पेयर कम से कम अपना बक्सा के लिए, एक ठो होगी अपना ये अपना आपको कवर्ड के लिए। बाकी अपना रूम का लॉक के लिए तो अपना दोस्त लोगों के साथ मिलकर, जो भी आपका रूम पार्टनर बनेगा उसके साथ मिलकर पैसा ये करके कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट करके एक ताला ले लीजिएगा, जो कि अपना सबका पास चाबी रखेगा अपना अपना रूम लॉक करने के लिए। फिर वॉलेट और पर्स हो गया आपका,
आप जरूरी है अपना पर्स रखने, पैसों से रखने के लिए, कुछ सामान वामान, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट सब रखने के लिए। तो देखिए एक्सेसरीज में आपको सारा चीज़ बता दिए, 12 पूरा टोटल चीज़, ठीक है। नॉर्मल आपको नॉर्मल इंग्लिश लिखें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अंडरस्टैंड होगा, आपको सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका देखिए फुटवेयर में आ जाते हैं, तो फुटवेयर में आपको स्पोर्ट्स शूज रनिंग के लिए आपका चाहिए रहेगा, अगर आप कुछ गेम खेलते हैं रनिंग के लिए, अपना स्पोर्ट्स शूज रख लीजिएगा, स्लीपर्स रख लीजिएगा अपना हॉस्टल में घूमने उमने के लिए। फिर सैंडल्स ले लीजिएगा, आप कहीं बाहर और जा रहे हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, कहीं दोस्तों के साथ मार्केट निकल रहे हैं, सैंडल्स पहन के जा सकते हैं। फिर शू पॉलिश अपना, जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो शू पॉलिश चाहिए आप लोगों को, अपना एकदम बढ़िया से फिर अपना पॉलिश करके जाइएगा तो बढ़िया लगेगा। फिर फॉर्मल ब्लैक शूज ले लीजिएगा कॉलेज वाले जाने के लिए, नॉर्मल जैसे हम लोग बीआईटी सिंदरी में नॉर्मल ब्लैक शूज चाहिए रहता है फॉर्मल फर्स्ट ईयर के बच्चे लोगों के लिए, और फुल शर्ट, फुल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, ठीक है। व्हाइट शर्ट जरूरी नहीं है, मतलब फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट, ठीक है। तो ये दोनों या ये चीज अपना रख लीजिएगा, अपना खरीद लीजिएगा, और फॉर्मल ब्लैक शूज अपना खरीद लीजिएगा, ठीक है। आपको फोटो दिख रहा होगा तो इसमें आप देख सकते हैं कैसा ब्लैक शूज चाहिए, ठीक है। फिर अपना स्टेशनरीज में देखिए आपका पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स चाहिए आपको, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्लू, स्टेपलर, पेपर पिन, सीजर, पेन स्टैंड, मेटेलिक स्केल, हाईलाइटर, टेप, फेविकॉल, फेविस्टिक, सम रफ बुक्स, ये सब आपको इंपॉर्टेंट होगा आपका सामान वामान लेने के लिए, ठीक है। ये सबसे आप चीज़ देख लीजिए जो भी आपका लिखे हुए हैं, आपका पेंसिल बॉक्स, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्लू, स्टेपलर, पेपर पिन, सीजर, पेन स्टैंड, मेटेलिक स्केल, हाईलाइटर, टेप, ये सब जा रहा, टोटल 13 चीज़ है। मतलब कुछ भी आप जैसे आपको पेंसिल बॉक्स नॉर्मली तो सब तो रहते ही आपके पास, जो भी आपका है, और कुछ भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या कुछ भी असाइनमेंट मिलेगा तो आपको किसी को मांगने जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास तो रहेगा ही, बढ़िया से अपना आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत जरूरी है, स्टेशनरी तो आपके पास रहना ही चाहिए, तो सब देख लीजिएगा। फिर आपको मेन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फोन, मोबाइल फोन और चार्जर, ये तो चीज़ पूरा इंपॉर्टेंट ही है अपना, ये चीज़ याद रखिएगा, मोबाइल फोन से चार्जर आपका। फिर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपका जब एग्जाम होगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगा, नाम देख लीजिए कैजियो FX 991 ES। अभी पहले का नॉर्मल आता था, वो मॉडिफाइड नहीं था, लेकिन अभी मॉडिफाइड हो गया, उसमें आपका मैट्रिसेस का कैलकुलेशन, बाकी सारा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन सारा वो चीज़ हो जाता है। तो एसेंशियल आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर नया वाला आ गया, आप नया वाला ले लीजिएगा, 1100-1200 मिल जाता है, तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर अपना कैमरा, अगर आप कुछ फोटो वोटो खींचना रहते हैं, आप कुछ मतलब ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करते हैं, कुछ मतलब वीडियो वीडियो बनाते हैं, तो कैमरा अपना अगर आपके पास है, ठीक है, तो अपना ले सकते हैं ये में, तो अपना ले लीजिएगा। ब्यूटीफुल कैंपस एंड इफ यू गर्लफ्रेंड, इफ यू आर लकी इनफ टू हैव वन, ऑल्सो ऑप्शनल सिंस मोबाइल फोन इज सफिशिएंट, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, आपके पास कैमरा अगर रहेगा तो बढ़िया रहेगा फोटो वोटो खींचने के लिए। पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव नॉट कंपलसरी बट रिकमेंडेड, जैसे आप लोगों का कुछ भी आपको फाइल शेयर करना है, दोस्त से लेना है, या कहीं मूवी वूवी देखने का पेन बन गया, किसी दोस्त के पास है, दूसरा ब्रांच के दोस्त के पास है, तो उसे जाके अपना पेन ड्राइव से ले सकते हैं, तो बहुत जरूरी है। लैपटॉप तो ऑप्शनल ऑप्शन लिखे हैं, लेकिन सबसे आपको सबको ही पता है कि जरूरी होता है इंजीनियरिंग लाइफ या नीट का, नीट एब्सेंट कहीं पर भी आप जा रहे हैं कॉलेज में, तो लैपटॉप तो नॉर्मल चीज़ हो गया, सबके पास रहता ही है, तो लैपटॉप ना खरीद लीजिएगा। बाकी लैपटॉप के लिए तो अलग से वीडियो आने वाला, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसा कैसा लैपटॉप ले सकते हैं कम रेट में, अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा लोग पहले से पता नहीं रहता है और अपने से पैसा खर्च करके बढ़िया लैपटॉप नहीं ले पाता, और बाद में जब दोस्त लोग देखता है कितना इतना अच्छा लैपटॉप है, फिर उन लोगों को ये हो जाता है, मतलब दुख होता है कि हम सही लैपटॉप नहीं ले पाए, इतना पैसा भी खर्चा हो गया। इसीलिए वाला वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, एक दो वीडियो बाद लेके आएंगे, उसमें पूरा अच्छे से बताएंगे आपको, दोस्तों के पास भी जो भी है उसमें रिव्यू भी बताएंगे वो लोग, क्योंकि वो लोगों के पास जैसा लैपटॉप है, मैक है और बाकी सारा लैपटॉप है, तो उसमें भी आप लोग वो लोग बताएगा, आपको रिव्यू देके बताएगा, तो बहुत अच्छा से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग सबसे ईजी रहेगा वे में समझने के लिए, तो अगर वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर देखिए बाथरूम के लिए आपका क्या क्या चाहिएगा, आपका टूथब्रश तो इंपॉर्टेंट है, टूथपेस्ट हो गया आपका, फिर आपका टंग क्लीनर हो गया, फिर यानी कैरिंग केस फॉर एवर, जो भी आपका सामान वामान का कैरी करने के लिए है, तो ये तीनों चीज़ का कैरी करने के लिए ले लीजिएगा। ऐसा रहता है ना, ये आपका टूथब्रश टांगने के लिए रहता है ना, वाला कैरिंग केस ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। फिर आपका सोप केस में आपका इसको बिगर ऑन होना चाहिए, इसमें तीनों चीज़ आप काट जाए, क्योंकि अलग अलग चीज़ कितना लीजिएगा, अगर कपड़ा धोने जा रहा है तो कपड़ा धोने का साबुन, आपका नहाने का साबुन, फेस वॉश या सब चीज़ अट जाए तो बड़ा केस लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका डिटॉल हैंड वॉश लीजिएगा, बाथरूम तुम जाने में काम आएगा आपका, ठीक है। जैसे ही आपका देख लीजिए बाथरूम का सारा आसात वो चीज़ बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या आपको जरूरत होगा, ठीक है। फिर आपको देखिए मेडिसिन बॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको कुछ भी चोट वोट लग जाता है बाहर जा रहे हैं, तो कुछ आपको अगर या अगर तबियत खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास मेडिसिन बॉक्स होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो क्या क्या मेडिसिन बॉक्स होना चाहिए आपका, कॉटन हो गया, डाबर पुदीना रहा हो गया आपका, कुछ अगर आप मेस का खाना, अगर आप घर का खाना जैसा तो मिलेगा नहीं, तो मेस का खाना से अगर आपका कुछ अनपच हो गया, कुछ डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो डाबर पुदीना ले सकते हैं। फिर आपका डिटर्जेंट हो गया आपका,
वायरस ले सकते हैं अगर आपको कुछ खाना नहीं पच रहा जल्दी अच्छा से, तो फिर पैरासीटामोल तो इंपॉर्टेंट है, आपका ले लीजिएगा पैरासीटामोल का एक दो पत्ता ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तबियत वबियत खराब हो जाता है। हम लोग का भी तबियत, दोस्त लोग का तबियत खराब होता तो मांगने आता तो दे देते, तो इसलिए एक दो पत्ता रख लीजिएगा, अपना काम आएगा। फिर आपका एमोक्सिसिलिन, आपको पढ़े ही होंगे चीज आपका केमिस्ट्री में, ये भी ले लीजिएगा, आपका फायदा रहता है उसका ये में तबियत खराब होने में। फिर आपका रेली स्प्रे, आपका आपको कुछ रूट लग गया तो अपना, या तो आपका मूव का स्प्रे ले लीजिए, कुछ भी स्प्रे ले लीजिएगा तो आपका अच्छा रहेगा अपना, अगर जो रूट लग गया तो आपका मार सकते हैं। फिर एंटीसेप्टिक स्प्रे, अगर कुछ कीड़ा वाड़ा कुछ काट लिया तो उसके लिए अपने स्प्रे लग सकते हैं नॉर्मल, अगर कुछ मतलब डिटॉल उटल ले लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके कुछ अगर चोट लग गया तो बैंडेज के लिए फिर क्लिप बैंडेज हो गया जो आपको मिलता है 2-3 रुपए में, नॉर्मल बैंडेज कट उट जाता है उसके लिए वह ले सकते हैं। फिर आपको सुप्रामाइसिन एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, कुछ अगर कुछ आपको काट उट लिया कुछ गया आपका छिलाव लग गया तो उसके लिए आपका लगा लीजिएगा उस क्रीम को, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये सब चीज बता दिया आपको, जैसे कितना इतना मेडिसिन बॉक्स में चाहिए रहता है, आप कुछ नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो जो आपको इंपॉर्टेंट, जैसे आपका कॉटन हो गया, डिटोनजल ओआरएस हो गया, पैरासीटामोल हो गया, फिर आपका डिटॉल हो गया, आपका क्रीप बैंडेज हो गया, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टाइगर बाल्म हो गया, आपका कुछ अगर सरद दर्द दे रहा, ज्यादा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं कुछ दर्द हो रहा तो अपना ले सकते हैं टाइगर बाम, अगर आपका कुछ भी आयोडक्स से कुछ भी ले सकते हैं, आयोडक्स ले सकते हैं अपना, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बाकी मेडिसिन बॉक्स में आप जो मन करे ले सकते हैं, बाकी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिए क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, इससे आपका दिक्कत ना हो आपको बाद में जाके अगर कुछ आपको दिक्कत हो वहाँ हॉस्टल में तो, ठीक है। फिर आपका स्लीपिंग आइटम्स में आपको क्या क्या चाहिए, आपको मैट्रेस चाहिए आपका, जो बेड में आपको तो बेड मिल जाएगा डायरेक्ट, आपको टेबल मिलेगा एक तो आपका टूल टेबल मिलेगा, तो चेयर मिलेगा, और नॉर्मल आपको ये बिस्तर ये मिल जाएगा, आपको कुछ चौकी मिल जाएगा, तो आपको मैट्रेस तो चाहिए रहेगा, तो मैट्रेस आपका ले लीजिएगा, या तो आप लेके जाएगा तो यहाँ से वहाँ से भी मिलता है खरीद ले सकते हैं, लेकिन बाहर में महंगा मिल सकता है, इसलिए अपना लेके जाएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा। फिर पिलो ले लीजिएगा अपना, और बकेट एंड मग ले लीजिएगा, ठीक है, नहाने वहाने के लिए आपको काम आएगा, तेल और तीनों चीज़ ले लीजिएगा याद से। फिर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, आपको जो भी आपका हॉबी, आप जो भी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी बैडमिंटन कुछ भी खेलते हैं अपना, तो आपने ले सकते हैं बैडमिंटन, आपका टीटी, टेबल टेनिस, स्क्वैश एक्सेट्रा, रैकेट्स बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट बॉल, स्टम्प्स, हेलमेट, पैडिंग इक्विपमेंट्स एंड एडी क्रैप, एडी जो भी आपका, फिर फुटबॉल, फुटबॉल सॉक्स, बूट, सब जो भी आप मतलब जो भी आप आपका हॉबी है जो भी स्पोर्ट्स खेलने का, उसका आप सामान ले सकते हैं, और अपना ग्राउंड तो रहता ही, आप कॉलेज में जाके अपना खेल सकते हैं। फिर आपका अनदर इंपॉर्टेंट थिंग में आपको जो भी आता है, इमरजेंसी लाइट, पावर बैंक, ओल्ड न्यूज़पेपर, डस्टबिन क्लॉथ, वाटर बोतल, पे प्लेट, ग्लास बॉल, स्पून, एक्सटेंशन बोर्ड, बेड टेबल, मॉस्किटो नेट, आयरन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ये सब चीज़ अपना देख लीजिएगा, बढ़िया से ले लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपको हम बताएं इसमें देख लीजिए क्या क्या है, अपना पॉज करके आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से, क्या क्या चीज़ अपना, आयरन, मॉस्किटो नेट बहुत जरूरी है आपका, मच्छर वच्छर काटेगा तो बेड टेबल, अगर आप बेड पर टेबल बेड पर बैठ के पढ़ने का आपको आदत है तो अपना बेड टेबल ले लीजिएगा, वाटर बोतल आपका, फिर डस्टबिन क्लोथ आपका, कुछ भी कपड़ा गंदा वंदा साफ करने के लिए, ओल्ड न्यूज़ पेपर ले सकते हैं, सामान वामान बिछा रखने के लिए कुछ भी अगर आपका काम आएगा, पावर बैंक जरूरी है अगर आप लाइन उन कट जाता है तो उसके लिए, ठीक है। फिर अपना आयरन अगर अपना कपड़ा प्रेस करने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है आपका। फिर लास्ट में आपका कुछ भी आपको लिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग जनरल आइडिया इज फ्लेक्सिबल फॉर ऑल इंडिविजुअल एज पर हिज और हर चॉइस रिक्वायरमेंट विल एबिलिटी पोटेंशियल, आपका फ्लेक्सिबल आप कुछ भी जिसमें जितना सारा चीज़ बताया आपको उसमें सब कुछ भी ले सकते हैं, आपका कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि आप इतना से लेके जाएं, ठीक है। आपको बता दिए कितना इतना चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको जो भी आपको जरूरत पड़ेगा या आपको जरूरत पड़ता है सब अपना सामान ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सारा सामान ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, बाहर से आपको सामान खरीदना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ आपको पूरा चीज़ बता दिए, ठीक है, पूरा से डिटेल्स में आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि आप सबको पूरा अच्छा वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिला होगा इसमें। ऐसी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों के लिए बहुत सारा अपडेट आने वाला है, स्कॉलरशिप के लिए आपका अपडेट आएगा, या फिर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट आएगा तो उसमें आपको सारा चीज़ बताएंगे, आपको अब कैसे कैसे प्रोसेस करना रहता है हॉस्टल अलॉटमेंट से पहले, तो वो सारा चीज़ बताएंगे पूरा। तो ऐसी नॉलेजबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मोटिवेशन मिलता है आपको, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो शूट करने में, तो आप लोगों को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमको, और अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, 1K जल्दी से पहुंचा दीजिए, बहुत खुशी मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों को भी खुशी मिलेगा, हमको ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।